सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के दे साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 21 अक्तूबर है, दिन शुक्रवार है। नानक शाही संमत 554 दे मुताबिक अज 5 कत्ता है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारीआं वड्डीआं ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। CLU मामले दे विच पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अज पटियाला जेल दे विचों बाहर निकलणगे। अदालत दे विच पेश होण दे लई जाणगे। लुधियाणा दी अदालत दे विच अज उहनां दी पेशी है ते अज पेशी तों एक दिन पहलां यानी कि लंघी शाम नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट करके जानकारी दित्ती कि नवजोत सिंह सिद्धू कल किसी रसूखदार वल्लों कीते गए भ्रिष्टाचार दे केस बतौर गवाह लुधियाणा कोर्ट विच पेश होणगे। उहनां नूं हर संभव सुरक्षा देण दे निर्देश जारी कीते गए ने। दरअसल अज वाली पेशी तो पहला कल नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी लिख के सुरक्षा की मंग की सी। अपनी जान नू खतरा दस्या सी कि पहला भी जदों वो जेल चो बाहर सीगे आम दुनिया दे विच विचरदे सी तां उन्हां नू जेड प्लस सुरक्षा दे नाल रहना पैंदा सी। उन्हां नू सुरक्षा मुहैया करवाई हुई सी अते शाम तक मुख्यमंत्री ने सिद्धू दी मंग नू मान लिया। पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों इह गल जनतक कीते जाण दी तिखी आलोचना की जा रही है। आम लोगों मुताबिक सोशल मीडिया से वाहवा खट्टन के चक्कर दे विच फिर मुख्यमंत्री दे IT विंग ने वो जानकारी जनतक कर दी है जिहड़ी नहीं की जानी चाहीदी सी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज के नाल अजिहियां जानकारियां जनतक करनियां महंगियां पै जांदियां ने। अज पेशी तो एक दिन पहला कल नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत भी खराब हो गई सी ते उन्होंने पटियाला रजिंद्रा हस्पताल लिजाया गया सी, जिस तों बाद फिर उन्होंने पटियाला जेल दे विच भेज दिता गया सी। उन्होंने छाती विच दर्द की शिकायत सी ते चेकअप दे विच BP घट पाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू अज लुधियाणा दे विच CLU विच होए घोटाले मामले दे विच बतौर गवाह पेश होणगे, क्योंकि केस उस वक्त दे नाल जुड़िया होया जदों नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे विच स्थानक सरकारां बारे मंत्री सन। पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार ते पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे विचाले टकराव घटण दी थां लगातार वधदा ही जा रहा है। असल दे विच जे देखिए तां इह जिहड़ी जंग है उह मुख्यमंत्री मान अते राजपाल दे विचाले दिख रही है। इह हुण सियासी टकराव दे विच बदलण लगी है। दो दिन पहला पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे उपकुलपति डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल दी नियुक्ति रद्द कीते जाण तों बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी कल राजपाल नूं मोड़वां जवाब दिता है, यानी कि मुख्यमंत्री ने राजपाल की गल सुन तो इनकार कर दिता है। राजपाल ने नियुक्ति जिहड़ी रद्द कीती है उसनू गैर कानूनी दस्या है ते मनन तो इनकार कर दिता है। इस संबंधी मुख्यमंत्री ने राजपाल नू चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने कल शाम खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दिती। ट्विटर ते उपकुलपति की नियुक्ति के मामले ते राजपाल के नाम पंजाबी च लिखी चिट्ठी नशर की, जिस विच मुख्यमंत्री ने राजपाल नू तिखी भाषा विच जवाब दिता। दूसरे पासे एक चिट्ठी अंग्रेजी दे विच भी लिखी गई। अंग्रेजी वाला पत्र है जिहड़ा वह राजभवन पहुंचे यानी कि राजपाल नू वह पहुंचा है, उहदे विच तिखी भाषा नहीं वरती गई, नरमी दे नाल जवाब दिता गया। ते राजपाल वल्लों ही कल शाम नू ही प्रतिक्रिया आ गई। राजभवन दे वल्लों मुख्यमंत्री तो इन्हां दोवें चिट्ठियां पंजाबी ते अंग्रेजी दी इबारत विचाले फर्क बारे सफाई मंगी है। राजभवन दा कहना है कि मुख्यमंत्री दा जो पंजाबी दा पत्र मीडिया दे विच चल रहा है, जो उन्हां ने खुद सांझा कीता है, वह राजभवन नू हाले तक हासिल ही नहीं होया। जिहड़ी चिट्ठी अंग्रेजी विच लिखी मिली है उस विचली समगरी दा पंजाबी भाषा वाले पत्र नाल कोई मेल ही नहीं है। उन्हां सवाल कीता कि राजभवन नूं भेजे बिना पंजाबी च लिखिया पत्र जनतक क्यों कीता गया, इस सवाल उठदा भी है। अंग्रेजी विच लिखी 5 पन्नियां दी चिट्ठी विच VC दी नियुक्ति नूं तकनीकी ते कानूनी हवालियां दे नाल जायज़ दसदिआं राजपाल नूं इह मसला मुड़ विचारन वास्ते मुख्यमंत्री ने कहा है। डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल, लखविंदर सिंह रंधावा ते डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस के नावों के पैनल की गल भी की गई है। दूजे पासे एक पन्ने के पंजाबी भाषा वाले पत्र विच मुख्यमंत्री ने राजपाल नूं चंगी तरह कटहरे विच खड़ा किया है। इस चिट्ठी दे विच राजपाल दे वल्लों सूबा सरकार दे कम्मां विच दित्ते जा रहे बेलोड़े दखल ते भी उंगल चुकी गई है अते BJP ते भी निशाने लाए गए ने, भावें कि असिधे तौर ते। इस चिट्ठी दे विच भगवंत मान राजपाल खिलाफ खुल के बोले ने। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि डॉक्टर गोसल नामी विज्ञानी ते सत्कारित पंजाबी सिख ने अजिही हस्ती नूं हटाउण दे राजपाल दे हुक्मां ते पंजाबी गुस्से विच ने, ते जे तुसीं इसे तरह करदे रहोगे तां पंजाबी बर्दाश्त नहीं करनगे, कृपा करके सरकार नूं कम करन दिओ। हालांकि उन्होंने चिट्ठी दे विच राजपाल दी प्रशंसा भी की है कि मैं थोनू मिलिया हाँ, तुसीं बहुत नेक इंसान लगते हो, पर तुसीं किहदे कहण ते अजिहा कर रहे हो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਗੇਤੀ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਲਮਰਗ ਅਤੇ ਸੋਨਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਮਰਗ, ਸੋਨਮਰਗ, ਗੁਰੇਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋਫਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਅਤੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ 75,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਜ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ  1,30,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। SSP ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਧੂ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
क्योंकि दीपक टीनू नू मुड़ राजस्थान के अजमेर तो गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने किया सी। ते हुण पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के नाल तालमेल बनाना शुरू कर दिता है। पंजाब पुलिस उस नू मानसा दे विच प्रोडक्शन वारंट ते दिल्ली तो लैके आवेगी, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की सुतंत्र कार्रवाई सी, पंजाब पुलिस नू सूचित नहीं किया गया सी। लोक इंसाफ पार्टी के सबका प्रधान सबका विधायक सिमरजीत सिंह बैंस का दो दिन का रिमांड खत्म होने तो बाद मुड़ थाना शिमलापुरी पुलिस ने कतल की कोशिश के मामले के उन्होंने अदालत में पेश किया। सख्त सुरक्षा प्रबंधा हेठ पुलिस सबका विधायक को अदालती कंपलैक्स में लैके पहुंची। पुलिस ने बैंस का दोबारा रिमांड मंगया सी, पर अदालत ने दोवां पक्षां दीआं दलीलां सुनने तो बाद बैंस नू न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के हुक्म जारी कर दिते ने, जिस तों बाद बैंस नू मुड़ तो बरनाला जेल दे विच भेज दिता गया। पिंड अमृतसर खुरद के गुरद्वारा सचखंड विच पिछले दिनी नामधारी सिख संगत विचाले रहत मर्यादा संबंधी होए झगड़े दे विच पुलिस ने 15 जणां खिलाफ केस दर्ज किया है। लंघे 8 महीनों तो इतने नामधारी पंथ नाल संबंधित संगत ते गुरु ग्रंथ साहिब दी रहत मर्यादा मुताबिक चलन वाली संगत विचाले विवाद चल रहा है, जिस दौरान लंघी 17 अक्टूबर नूं दोवें धिरां विचाले लड़ाई हुई सी, 4 लोग जख्मी हो गए सन। मसले के हल लई 18 नवंबर नूं सिरसा दे गुरद्वारे दे विच दोवें धिरां दे नुमाइंदियां दी मीटिंग बुलाई गई सी, ते हुण पुलिस ने विच दखल दिता है ते 15 जणां खिलाफ परचा होया है। लुधियाणा तो खबर है जिथे स्कूल दे विच इक बच्ची दी अख विच पेंसिल वज्जण कारण अख दी रोशनी ही चली गई है। पुलिस लाइन स्थित एक स्कूल दे विच 6 साल दी बच्ची दी अख विच एक विद्यार्थन ने पेंसिल मार दित्ती, जिस कारण बच्ची अपनी नज़र गुआ बैठी है। पहली जमात दी विद्यार्थन शनाया दी अध्यापका ने उसके मापिया नू फोन करके सूचना दित्ती सी कि बच्ची दी अख विच उंगल वज गई है, तो वह आके उसनू लै जाण। बच्ची दे मापे लै गए, घर जाके कुछ समय बाद बच्ची ने कुछ भी दिखाई ना देने की शिकायत की। जदों डॉक्टर को लैके गए तो पता लग्या कि बच्ची की अख की पुतली फट गई है। बच्ची के मापिया ने जदों स्कूल प्रबंधकों नाल गल की तो उन्होंने गल सुन तो ही पासा वटना चाहिया, जिस तों बाद रोस विच बच्ची के परिवारक मैंबरां ने स्कूल के बाहर धरना ला दिता। परिवार ने मंग की है कि स्कूल प्रबंधकों ते उक्त अध्यापका खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जे अजिहा नहीं किया जाता तो मुड़ धरना लाउणगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सबका प्रधान बीबी जगीर कौर के वलों अहुदेदारां की चोण वास्ते सदे गए जनरल इजलास नूं 9 नवंबर की थां 10 दिन अगे पाउण दी अपील नूं श्रोमणी कमेटी प्रधान ने रद्द कर दिता है। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि जनरल इजलास पहला ऐलानी गई मिति मुताबिक 9 नवंबर नूं ही होवेगा। उन्होंने कहा कि जनरल हाउस सिख गुरद्वारा एक्ट मुताबिक 21 दिनों के वक्फे बाद सद्या गया है। इस संबंधी SGPC के सारे मैंबरों नूं भी सूचित कर दिता गया है। उन्होंने दस्सिया कि इजलास की डेट नूं ध्यान विच रखदिया होया गुरद्वारा ननकाणा साहब जाने वाले जत्थे विच शामिल श्रोमणी कमेटी मैंबरों ने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिता है, ते जिहड़े मैंबर विदेश विच ने उन्होंने भी सूचित कर दिता गया तां जो समय सिर वह पहुँच जाण। दरअसल बीबी जगीर कौर ने अपील की सी कि 8 नवंबर नूं गुरु नानक साहब पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा है, जिस दरम्यान सिंह साहिबान जां फिर कई SGPC मैंबर दूर जां फिर नेड़े दे प्रोग्रामां दे विच शामिल होने लई जांदे ने, इस करके दूसरे दिन ही प्रकाश पुरब तो दूसरे दिन ही इजलास दे विच पहुंचना कईआं दे लई औखा हो जूगा, पर SGPC प्रधान ने इस अपील नूं रद्द कर दिता है। बीबी जगीर कौर ने एक निजी चैनल दे नाल गलबात करदिया होया प्रधानगी दी चोण लड़न दे संकेत भी दिते, कहा सी कि कोई भी प्रधानगी दी चोण लड़ सकदा है, हर किसी नूं अधिकार है। ते बीबी जगीर कौर दी इस मंग दी हमायत हरियाणा दे सिख लीडर बलजीत सिंह दादूवाल ने भी कीती सी। हरियाणा के करनाल तो खबर है जिथे शहीद ऊधम सिंह के बुत को खंडित किया गया है। थाना सैक्टर 32-33 के इलाके में पेंदे शहीद ऊधम सिंह कंबोज चौंक से स्थित शहीद ऊधम सिंह के बुत को शरारती अंसर ने तोड़ दिता है। शरारती अंसर शहीद ऊधम सिंह के बुत के हाथ में फड़ी हुई पिस्तौल भी तोड़ के लै गए ने। इस घटना तो बाद कंबोज भाईचारे के रोस पाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नाइजीरिया के हाई कमिश्नर अहमद सियोल के नाल मुलाकात की, दस्सिया कि पंजाब ते नाइजीरिया दे विचाले खेती संदां फसलां ते खादां दे आयात निर्यात नूं लै के कई अहम विचारां होईयां ने। खेती ते हुंदे खर्चे नूं घटाउणा, किसानां दी आमदन वधाउणा, खेती नूं घाटे दे धंदे तों लाहेवंद धंदा बनाउणा ही कहिंदे मेरा मुख मकसद है। भारत वासियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि त्यौहारों के सीजन के भी दालों या फिर प्याज के रेट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इन्ना क स्टॉक है जिहड़ा वह पिया होया है कि लोगों नूं इन्हां दी तोट नहीं आवेगी। 43 लाख मीट्रिक टन तो वध दालां अते 2.5 लाख मीट्रिक टन गंडा जिहड़ा बफर स्टॉक दे विच पिया होया। CBSE बोर्ड दे वल्लों अध्यापकां दी चोण वास्ते लई जांदी CTET प्रीख्या दिसंबर अते आउंदे साल दे जनवरी महीने दे विचाले लई जावेगी। प्रीख्या दी मिति उम्मीदवारां नूं वंडे गए एडमिट कार्डां दे उत्ते दस्सी जावेगी। प्रीख्या दे विच बैठन दे लई CTET.NIC.IN जिहड़ी वैबसाइट है, बोर्ड दी अधिकारित वैबसाइट, उस दे उत्ते जाके अपलाई कीता जा सकता है।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਐਲ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੰਜ ਕਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰੋ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਰੋ ਮਾਣਹਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ 10,000 ਲੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ। SC ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਮਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 83 ਰੁਪਈਏ 6 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 83 ਰੁਪਈਏ 6 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁਗਲ ਸੜਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਡੋਡਾ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਰਾਜੌਰੀ ਰਿਆਸੀ ਪੁੰਛ ਰਾਮਬਨ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅੱਗੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਾਮੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਧਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾਲ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਸਵੱਛਤਾ ਕਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਨੇ ਦਿਆ ਥਾ ਉਸਸੇ ਕਰਨਾਲ ਆਗੇ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਵੀ ਆਪ ਆ ਕਰ ਕਰਨਾਲ ਕੋ ਆਗੇ ਬੜਾਏ जी स्वच्छता का जो संदेश दे फिर से हाँ सबको आशीर्वाद दे जी बेटा बहुत आशीर्वाद बेटा आप सब जुम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा पूरा आगे लेके जाएं भगवान से प्रार्थना है बेटा और मालिक सबको ताकत दे हिम्मत दे ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੇ ਜਬ ਉਸਕੀ ਇੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੈਰੋਲ ਕੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਇਸਮੇ ऐसा भी हो सकता है कि दिवाली के नाम के वजह से पैरोल लगाई हुई आदमी अपने परिवार में आके वो कर ले तो जरूरी नहीं है कि पैरोल उससे सिर्फ इलेक्शन के लिए संगत गई थी वहाँ पे काफ़ी संगत थी बड़ी संख्या में संगत थी तो बस एक संगत की तरफ से जैसे बात हो रही थी तो
एक ये थी कि भाई आप जैसे आपको पैरोल मिलती है तो आप बरनावा गए भाई, कभी करनाल आ जाओ, या सिरसा की भी जब हम संगत बात चल रही थी दिवाली तो पहला पंजाब दे सरकारी मुलाजमान नूं चंगी खबर सुन नूं मिल सकती है। सूबा सरकार डीए वधाउण ते विचार कर रही है। शुक्रवार यानी कि 21 अक्टूबर नूं होण वाली मान कैबिनेट की मीटिंग दे विच इस ते चर्चा होगी। ट्रिब्यून दे विच छपी खबर के मुताबिक 6% डीए वधाउण नूं लैके खजाना विभाग वालों मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान नूं फाइल भेज दिती गई है। मुख्यमंत्री दे हस्ताक्षर तों बाद 6% डीए दी किश्त जारी कीती जा सकदी है। इस मसले ते पहला पंजाब कैबिनेट दी मीटिंग दे विच विचार कीता जाएगा। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी दिवाली तो 2 दिन पहला 1 नवंबर नूं डीए दे विच 11% वाधे दा ऐलान कर दिता सी ते इस नूं 11 जुलाई 2021 तो लागू कर दिता गया सी। हिमाचल दे लखनपुर बॉर्डर ते पिछले 3 दिनां तो लगातार धरने ते बैठे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान ते संगरूर तो MP सिमरनजीत सिंह मान ने अपना धरना खत्म कर दिता है। सिमरनजीत सिंह मान 17 अक्टूबर नूं अपने साथियों नाल जम्मू कश्मीर जा रहे सन, पर प्रशासन ने उन्हां नूं लखनपुर बॉर्डर ते रोक दिता सी, इह कह के उन्हां ने अगाऊं कोई इजाजत इथे दाखिल होने की नहीं ली है। मान ने सूबा सरकार के फैसले खिलाफ पटीशन दायर कर दिती है। मान ने जिला मजिस्ट्रेट कठुआ के हुक्मां नूं चुनौती दिंदिया होया पटीशन पाई है, जिसकी सुनवाई 14 नवंबर नूं होएगी। मान ने ट्वीट करके कहा कि मैं जिला मजिस्ट्रेट कठुआ के हुक्मां नूं चुनौती देने वाली एक पटीशन पाई है, जिस विच मैनूं 17 तरीक नूं तुरंत प्रभाव नाल जम्मू ते कश्मीर छड्डन दा हुक्म दिता गया सी। उम्मीद है सैशन जज अदालत विच मेरे जम्मू कश्मीर के दौरे नूं गैर कानूनी तरीके नाल रोकण के खिलाफ अपना फैसला सुनाउणगे। मान दे प्रशंसकां ने भी प्रशासन दी इस कारवाई दी निंदा कीती ते कहा कि मंदभागा है कि लोकां दे चुने हुए एक नुमाइंदे नूं इक MP नूं इस तरीके दे नाल रोकिया होया है। इस मुद्दे ते कठुआ दे DSP सुखदेव सिंह जामवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ते जिला प्रशासन दे वल्लों मान दे जम्मू विच आउण ते रोक लाई गई, जदों तक इजाजत नहीं मिल जाती उन्हां नूं नहीं आउण दित्ता जाएगा। उधर साडे कोल होर भी पुख्ता खबरां आ रहियां ने कि हिमाचल जाण वाले दस्तारधारी सिखां नूं भी पुलिस वल्लों रोकिया जा रिहा है, परेशान कीता जा रिहा है। सानूं इक डॉक्टर जोड़े ने दस्सिया कि हिमाचल टूर दौरान सिर्फ सिमरनजीत सिंह मान नूं ही नहीं रोकिया गया, बल्कि हर दस्तारधारी सिख दी रोक के चैकिंग की जा रही है। उन्हां नूं भी कई वारी पुलिस दे वल्लों रोकिया गया, परेशान किया गया। सिखां नूं थां थां ते रोक के उन्हां दे दस्तावेज चैक किए जा रहे हैं, पर उन्हां नूं जिन्हां ने सिर्फ दस्तार सजाई है। यूक्रेन दे विच स्थित भारतीय दूतघर ने रूसी हमले तेज होने के मद्देनजर भारतीय नागरिकां नूं मुल्क छड्डन की सलाह दी है। एडवाइजरी जारी करदियां दूतघर ने कहा कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति ते हालात खराब होने के मद्देनजर भारतीय नागरिकां नूं यूक्रेन की यात्रा ना करन दी सलाह दी जाती है। इस वक्त यूक्रेन दे विच रह रहे विद्यार्थियों समेत भारतीय नागरिकों नूं छेती तो छेती यूक्रेन छड्डन दी सलाह दी जाती है। यूके सरकार ने एक वड्डा ऐलान किया है कि भारतीयों नूं हुण यूके दा टूरिस्ट वीजा महज 15 दिनां दे विच मिल जाएगा। भारत दे विच ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने वड्डा ऐलान करदिआं कहा कि बरतानिया अपने स्टैंडर्ड 15 दिनां दी म्याद दे अंदर भारतीय वीजा अर्जियां ते प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई करन दे राह ते है। वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि जिवें कि तुसीं जाणदे हो भारत तों यूके तक यात्रा दी मंग दे विच बहुत वड्डा वाधा होया है। COVID-19 दे प्रभाव ते यूक्रेन ते रूसी हमले कारण साडी वीजा प्रक्रिया खत्म हो गई सी ते हुण असीं ट्रैक ते वापस आ रहे हां। विद्यार्थी वीजे ने जिहड़े ओह वी असीं वड्डी गिणती दे विच दे रहे हां अते टूरिस्ट वीजियां ते असीं ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हां। 15 दिनां दे विच विच असीं टूरिस्ट वीजा भारतीयां नूं देण दी प्रक्रिया दे राह ते असीं चलांगे। कैनेडा दी जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भी एक वड्डा ऐलान किया है। वित्तीय साल 2022-23 दे विच कैनेडा दे विच 3 लाख विदेशी लोगों नूं कैनेडा की नागरिकता दिती जाएगी। कैनेडा के इस कदम के नाल ज़्यादातर जिहड़ा लाभ है वह भारतीयों नूं होने की संभावना है। इमीग्रेशन रिफ्यूजी अते सिटीजनशिप कैनेडा ने यह जानकारी दिती है कि उन्होंने कुल 285,000 अर्जियां का अमल आरंभिया है ते 31 मार्च 2023 तक 3 लाख होर लोगों नूं नागरिकता देने की सिफारिश की है। विभाग ने कहा कि 18 साल तो घट उम्र के नौजवान नागरिकता दे लई साल के अखीर विच ऑनलाइन अपलाई करन दे योग होणगे। 18 साल तो वध उम्र दे तां कदों मर्जी कर सकते ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे शहर संगरूर दे विच पिछले 12 दिनां तो पक्का मोर्चा ला के बैठे उग्राहां जथेबंदी दी अगवाई दे विच किसानां ने वीरवार नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री दी रिहायश चारे पासिआं तो घेर लई है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ने इत्थे रैली करके किसानां दीआं नुकसानियां फसलां दे मुआवजे गऊआं दी जिहड़ी चमड़ी दी बीमारी कारण मौतां होईआं ने होर बहुत सारियां किसानां दीआं मंगां ने उन्हां नूं मनवाउण दे लई धरना लाया होया। मुख्यमंत्री मान दे जिला संगरूर दे विच इह मुख्यमंत्री दे घर वाली जिहड़ी कलोनी है उस दे बाहर धरना लग्गिया होया। पक्के मोर्चे दा 12वां दिन रहा।
दिल्ली के बॉर्डर के वांग ही हुण किसानां दे मोर्चे का नज़ारा इत्थे दिखण लग्या है। अणमिथे रोस धरने का सद्दा जोगिंदर सिंह उगराहा ने दिता सी ते वड्डी गिणती दे विच हुण किसान इत्थे लगातार पहुँच रहे ने ते इक्को इक इन्हां दा ऐलान है कि जदों तक सरकार मंगां नहीं पूरियां करदी धरना जारी रहेगा। 6 महीनियां दा राशन कहिंदे असीं नाल लैके पहुंचे हां। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच नामजद गैंगस्टर दीपक टीनू नूं मुड़ गिरफ्तार किए जाने तों बाद एक होर खुलासा होया। टीनू तों 5 हैंड ग्रनेड, एक आधुनिक पिस्तौल ते होर हथियार भी मिले ने, जिस बारे शक है कि दीपक नूं इह हथियार पाकिस्तान तों ड्रोन राही मिले ने। पर हुण पुलिस सूत्रां मुताबक इह वी दस्सिया जा रहा है कि इह पाकिस्तान तों ही गैंगस्टर रिंदा ने भेजे सन ते इन्हां नूं होर किते सप्लाई किया जाणा सी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिंड दरिया मंसूर जिला अमृतसर दे विच पंजाब सरकार दे निकासी ते मुड़ वसेबा विभाग दी मालकी वाली जमीन कुछ प्राइवेट व्यक्तियां दे कब्जे हेठ होण बारे फर्जी केसां दा हवाला दे के उस जमीन दीआं गिरदौरियां बदलण दे दोषां तहत कुल 12 मुलजमां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन्हां दे विच माल विभाग दे 3 पटवारी अते 9 प्राइवेट व्यक्ति शामिल ने। लुधियाणा दे विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे प्रोग्राम दौरान कालियां दस्तारां उतरवाउण दा मसला भख गया है। विरोधियां ने सीएम दे प्रोग्राम नूं लैके लगातार सवाल चुके ने। बीजेपी दा कहना है कि 7 महीनियां च सरकार लोकां तों घबरा गई है। उन्हां कहा कि दस्तार दा अनादर करना बेहद गलत है, सरकार घबराहट दे विच लोकां नूं अपमानित ना करे। अकाली दल दे सीनियर लीडर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री दे प्रोग्राम दे विच दस्तार दा अपमान होया, माफी मंगनी चाहीदी है। मैं समझदा कि इह दस्तार दा बहुत वड्डा अपमान है, क्योंकि किहड़े रंग दी पग बन्नी है इह हर सिख दी अपनी चॉइस है कि किहड़े रंग दी पग बन्नी चाहुंदा, चाहे नीली है, चाहे केसरी है, चाहे काली है, चाहे सफेद है, ये साढ़े खालसी रंग ने। इस करके किसी का भी हक नहीं बनता कि वह इस गल नूं टोके कि तू कि रंग की पग बन क्यों। यह हुण मुख्यमंत्री साहब दसन कि तुहाडा समागम सी, तुसी मुख मेहमान सी, ये तुहाडे हुक्म सी जां किहदे हुक्म सी, और इस गल नूं तह तक लैके जाना चाहिए, इनकुआरी होनी चाहिए है कि किन्ने इहोजे हुक्म जिहड़े आ उह जारी कीते जिहदे करके उन्हां सिख भरावां नूं जलालत दा जिहड़ा सामना उत्थे करना पिया। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करदा कि इस छोटी गल नहीं है, इहदी तह तक जाना तुहाडी ड्यूटी है, नहीं तो मन्नया जाएगा कि तुहाडे हुक्म से। अगर तुसीं हुक्म नहीं दित्ते तो यह जिम्मेवारी फिक्स करो कि किस अफसर ने कीता और उत्ते एक्शन। इस तो पहला कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने भी श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार को अपील की थी कि मुख्यमंत्री को अकाल तख्त साहब से तलब किया जाए। मैं अकाल तख्त साहब के जथेदार जी को यह अपील करांगा, जथेदार जी दस्तार 10वीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू चिन्ह दिता, जिस दस्तार के कारण समुची दुनिया में अज सिख भाईचारे की इज्जत मान और सन्मान, ये साडा सारा वड्डा इज्जत का एक चिन्ह है। अज आजादाना देश दे विच साडे अपने सूबे विच जिहड़ा मेजोरिटी सिख सूबा है उहदे विच दस्तार की बेकदरी की जाए, मैं समझना एक बहुत सीरियस इशू है। मेरी गुजारिश होएगी ये बेअदबी तो घट नहीं, तुसी इमीजिएटली चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं तलब करो ते उन्हां कोलों इस गल की अनकुआलीफाइड माफी समुचे पंजाबी जगत को ते सिख जगत को मंगवाओ। इस तो कोई भी थले चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मैं आस करांगा अकाल तख्त साहब दे जहदार जी को जल्दी तो जल्दी चीफ मिनिस्टर नूं समन करनगे। नामधारी भाईचारे दे वल्लों सिख दी रोजाना अरदास दे नाल वड्डी छेड़छाड़ की गई है। एक घटना इतिहासिक स्थान कहे जांदे गुरुद्वारा नानक मता साहिब तो सामने आई है, जिथे 16 अक्तूबर नूं गुरुद्वारा साहिब दे नेड़े बने कार सेवा वालियां दे डेरे विच नामधारी समाज दे वल्लों एक समागम करवाया गया सी। इस समागम दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश तारानिक बीबी दे वल्लों अरदास कीती गई, जिस विच उसने 12 पातशाहियां दा जिक्र कीता, पर किधरे भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिक्र तक नहीं कीता। अरदास दी विवादित अरदास दी वीडियो काफी वायरल हो रही है। बार वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, पातशाही 12वीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासा होए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण जी ध्याई है जिस बिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए कर नौने दावे ताए, 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुआ जी सहाय, श्री सतगुरु बालक सिंह जी सिमरिया जिन धर्म का मार्ग दिया बताए, अकाल पुरख अंतरजामी धन श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन जम तो लिया छड़ाए,
ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰੀਐ ਜਿਨ ਟੁੱਟੀ ਲਈ ਮਲਾਏ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਦੀਆ ਚਲਾਏ। इस मुद्दे ते प्रसिद्ध सिख चिंतक अते विद्वान कुलदीप सिंह गड़गज ने नोटिस लेंदे होए श्री अकाल तख्त साहब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं अपील की है कि वह इस मसले का गंभीर नोटिस लैण। संगत दे नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु ना मनण वालियां दे खिलाफ एक हुक्मनामा भी जारी करने की मांग की ते इन्हां लोकां दे खिलाफ जिन्हां ने अरदास दा सरूप विगाड़िया है उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। अरदास दे विच ते मूंह दे विचों एक वारी भी लफ्ज़ नहीं निकलिया श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। अरदास गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सन्मुख की जा रही है तो संबोधन किन्हां नूं किया जा रहा जिन्हां नूं सिख गुरु नहीं मानते। ये जिहड़े कार सेवा वाले बाबा जी ने खास करके बाबा बचन सिंह जी, मैं उन्होंने भी बेनती करदा कि तुहाडे जिहड़े भी अगे सेवादारां दे कोलों अभिग्याई आ उन्हां नूं पुछना चाहिए, श्री अकाल तख्त साहब नूं इहदा सो मोटो लैना चाहिए। इस करके श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब नूं मैं बेनती करदा कि सो मोटो लैना चाहिए और एक हुक्मनामा साहब कढ़ना चाहिए कि किसी भी गुरद्वारा साहब के अंदर किसी भी देहधारी गुरु डम नूं जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु नहीं मानता, गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु पंथ दे विच यकीन नहीं रखता, वो कोई भी जिहड़ा इहो जिहा देहधारी गुरु डम वाला हुक्मनामा निकलना चाहिए कि किसी भी गुरद्वारा साहब के अंदर गुरद्वारा साहब के नाल संबंधित किसी अस्थान दे विच इहो जे देहधारी गुरु डम का जिहड़ा ये पखंडवाद आ इहो जिहा जिहड़ा ये कुफर आ वो नहीं होना चाहिए। अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामा गुरु पंथ दीआं भावनावां दे मुताबक कढ़न की बहुत जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय दे विच आपां वेखांगे कि इन्होंने गुरुद्वारियां दे विच वड़ वड़ के किदां मनमतां करनियां। एक होर विवादित खबर पंजाब सरकार दे वल्लों अगस्त महीने विच शुरू कीतियां गईआं खेडां वतन पंजाब दीआं दे प्रचार नूं लैके जुड़ी हुई है। दरअसल वेरका दे वल्लों मोहाली दे विच खेडां वतन पंजाब दे लाए गए बैनरां दे विच सिख ते साबत सूरत खिडारियां नूं बिल्कुल ही अणगौलियां कीता गया है, जिस ते सिख प्रचारक कुलदीप सिंह गड़गज ने सवाल चुके ने। उन्हां पंजाब सरकार नूं वी सवाल कीता है, नाल ही वेरका नूं, कि इन्हां बैनरां दे विचों पंजाब दे साबत सूरत खिडारियां नूं अणगौलियां क्यों कीता गया है। उह खिडारी जिन्हां ने अपने सिखी स्वरूप नूं कायम रखदिआं कौमांतरी पद्धर ते वड्डे रिकॉर्ड बनाए ने, इन्हां दा ख्याल वेरका जां फिर पंजाब सरकार नूं क्यों नहीं आया। ते नाल ही उन्होंने खेडां पंजाब दे वड्डे हॉकी पंजाब दे जिहड़े खिडारी बलवीर सिंह सीनियर नूं समर्पित करन दी बजाए हॉकी खिडारी मेजर ध्यान चंद नूं क्यों समर्पित कीतियां ने, इस ते वी सवाल चुके ने। खेडां वतन पंजाब दीआं वा ते खिडारी जिहनूं इह समर्पित कर रहे हो यूपी दा, खेडां यूपी च हो रहीआं की इत्थे पंजाब दे विच उच्च कोटी दे खिडारी नहीं हैगे। बलबीर सिंह सीनियर वर्गे, अजीतपाल वर्गे, होर कितने साडे जिहड़े खिडारी आ वो किड्डियां किड्डियां उन्होंने मल्लां मारियां। तीन तीन ओलंपिका दे विच बलबीर सिंह सीनियर वर्गियां ने इस देश की झोली च तीन सोने के मैडल लगातार पाते ओलंपिक, उहदा नाम ही नहीं है वेरका उदा जी पंजाब दा। तो पंजाब सरकार नूं भी स्पष्ट करना चाहिए भी ये वेरका अपने पद्धर ते तुहाडे वल्लों करवाईआं जा रहीआं जिहड़ियां खेडां वा उन्हूं कह रहा भी ये समर्पित आ मेजर ध्यान चंद नूं, ये तुसीं भी कदे दे नहीं कह रहे, ये जिहड़े पंजाब दे खिडारी उह कित्थे जाणगे। कुछ वड्डियां खबरां हादसियां घटनावां अते वारदातां दे नाल संबंधित ने। हरी के पत्तन तो खबर है जिथे लुटेरियां ने साबका फौजी अते उसकी पत्नी का तेजधार हथियारां दे नाल कतल कर दिता है। तरन तारण के कस्बा हरी के पत्तन दे विच बुधवार की रात नूं 1:30 बजे के करीब लुटेरियां ने इस वारदात नूं अंजाम दिता है। साबका फौजी के घरे लुटेरे आए सुखदेव सिंह ते उसकी पत्नी राजवीर कौर का तेजधार हथियारां नाल कतल कर दिता। उन्होंने लड़की ते नूं कमरे च बंद कर दिता। लुटेरे घर दे विच देव सिंह की बंदूक से सोने दियां चार मुंदरियां भी लै गए। SP विशालजीत सिंह अते DSP सतनाम सिंह ने मौके पर पहुंच के जायजा लिया। मुंबई के मशहूर रियल अस्टेट डिवेलपर ने कथित तौर पर रिहायशी इमारत की 23वीं मंजिल तो छाल मार के खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दसिया कि 57 साल के बिल्डर पारस पोरवाल की खुदकुशी की जांच की जा रही है। अमृतसर एक फुकरीबाजी के ASI ने अपनी पिस्तौल का ही घोड़ा दब दिता एक नौजवान की जान चली गई। ASI हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी दौरान अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने लिबर्टी मार्केट दे विच मोबाइल दी दुकान ते मोबाइल खरीदन गया सी। इस दौरान वह अपनी सरकारी पिस्तौल कढ़ के दिखाउण लग गया। प्रदर्शनी दौरान उसकी रिवॉल्वर चों गोली चल गई। सामने मोबाइल दिखा रहे 27 साल दे नौजवान अंकुश दी छाती विच वजी। दुकानदारां ने तुरंत अंकुश नूं हस्पताल दाखिल करवाया पर उस नूं बचाया नहीं जा सकिया। नाभा दे विच वी इसे तरह की घटना वापरी है। देर रात 34 साल दे DSP गगनदीप सिंह भुल्लर दी सिर दे विच
अपनी ही पिस्तौल चो गोली चलन कारण मौत हो गई। कमांडो सेंटर बहादुरगढ़ दे विच डीएसपी वजो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पटियाला दे विच तैनात सी गुरप्रीत गगनदीप सिंह भुल्लर। ते घटना बुधवार रात 9:30 to 10 दरमियान नाभा दे मॉडल टाउन इलाके दे विच उन्हां दे अपने घरे ही वापरी। जानकारी मुताबिक 32 बोर दी रिवॉल्वर दे नाल चली गोली सिर दे विच लगन कारण डीएसपी भुल्लर दी मौत हो गई। नाभा दे एसएचओ इंस्पैक्टर हैरी बोपराय ने इसकी पुष्टि की। अमृतसर दे विच एक फौजी जवान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जवान उत्ते ISI नूं खुफिया जानकारियां देने का इल्जाम है। सुरक्षा एजेंसियां दी सूचना के आधार से FIR दर्ज की गई है। मुलजम फिलहाल गिरफ्त तो बाहर है। बुधवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की सब तो वड्डी मस्जिद का गुंबद भयानक अग लगन कारण ढहटेरी हो गया। मस्जिद विच मुरम्मत का काम चल रहा है। यह मस्जिद इस्लामिक स्टडीज और डेवलपमेंट नाल जुड़े थिंक टैंक जकार इस्लामिक सेंटर दे परिसर ते बनी है। अग ते काबू पाउण दे लई फायर ब्रिगेड दीआं 10 गड्डियां वी मौके ते पहुंचीआं। मध्य प्रदेश दे मुरैना दे विच पटाकियां दे गोदाम विच धमाके कारण 6 लोकां दी मौत हो गई। पटाकियां दा गोदाम इक घर दे विच चलाया जा रहा सी। धमाके नाल पूरा घर भी तबाह हो गया। मलबे हेठां कई लोकां दे दब्बे होण दा खदशा है। धमाके दी सूचना मिलदे ही पुलिस प्रशासन मौके ते पहुंच गया। इस दरम्यान BJP दे लीडर मनोज तिवाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दायर करके दिल्ली विच पटाकियां ते पूर्ण पाबंदी नूं चुनौती दित्ती। जस्टिस MR शाह दी अगवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस पटीशन से तुरंत सुनवाई करने तों इनकार कर दिता अते सलाह दी कि लोगों नूं साफ हवा दे विच साह लैण दिता जावे। पटाकियां दी बजाए मिठाइयां ते पैसा खर्च किया जावे। कर्नाटका तो खबर है जिथे बंगलौर दे विच लंघी रात भारी मीह कारण जल थल हो गया। रुख डिग पए, कई बुनियादी ढांचे नूं नुकसान पहुंचया। कई हिस्सों च बिजली बंद हो गई है। बुधवार रात नूं शहर दे मध्य दक्षणी ते पूर्वी हिस्सों दे विच तेज हनेरी आई। शेषादरीपुरम दे नेड़े मैट्रो दी कंध डिग पई, जिस नाल कई कारां ते बाइक नुकसाने गए। शहर दे वख-वख हिस्सों दे विच नीवें इलाकियां ते अंडरपासां दे विच पाणी भर गया। आवाजाई दे विच रुकावट आई ते आम जनजीवन प्रभावित होया। अमृतसर तो कबाड़ खरीदण आए एक कबाड़ दे व्यापारी दे कोलों 4 अणपछाते लोकां ने 1.5 लाख रुपये खोले। थाणा सिटी पुलिस दे वल्लों कबाड़ी दी शिकायत ते मामला दर्ज किया गया। SHO थाणा सिटी गुरदासपुर गुरप्रीत सिंह ने दस्सिया कि अनिल शर्मा पुत्तर कुलवंत राय वासी गली नंबर 5 मुहल्ला विजय नगर बटाला रोड अमृतसर दे नाल घटना वापरी है। पुलिस ने 4 अणपछाते लुटेरियां खिलाफ परचा दर्ज कर लिया। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडी सब तों इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।